वेलकम फ्रेंड्स, सो माय नेम इज सिद्धांत। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कहान। तो हाय गाइस, मैं हूँ वियान रुपेला डार्क नाइट स्टूडियो से, और मैं सिद्धांत और कहान के साथ ये वीडियो कर रहा हूँ। हम यहाँ क्या करने आए हैं? तो आज हम यहाँ पे कोरोना के बारे में कुछ बताने आए हैं। 6 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आफ्टर लॉकडाउन। सो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा दूसरा एडवांटेज है कि जो ट्रेन्स और बसेस बंद थी, वो आज गरीब मजदूर को अपने घर भेजने के लिए आज फिर से चालू हो गई है। इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो हमारे मजदूर है उनको, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको भी रोजगार मिल जाएगा। एकदम करेक्ट कहा। और अब मैं इसका तीसरा एडवांटेज बताता हूँ। और तीसरा एडवांटेज है कि लोग बाहर की एक्टिविटीज और आउटडोर गेम्स में ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हम जब घर बैठे थे तो हम सिर्फ इंडोर गेम्स और कंप्यूटर पे ही थे, पर जैसे ही लॉकडाउन खुला हम बाहर जा सकते हैं, पर हमको थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मॉल्स वगैरह और मेले, वो सब पिक्चर्स, सिनेमा सब खुल जाएंगे, और नए नए पिक्चर्स भी आएंगे ताकि लोगों का टाइम पास भी हो सके, और लोग घर में रहकर अपनी फिटनेस को ना बढ़ाने की वजह बाहर ज्यादा घूमें। सो फ्रेंड्स, अब लॉकडाउन तो खुल गया है, तो इसके वजह से हम बाहर कोई भी रेस्टोरेंट में, हमारी स्कूल्स, ये सारी जगह पे हम जा सकते हैं और हम बोर नहीं होंगे। ओके, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो लोग ज़्यादा कंप्यूटर, ज़्यादा ऐप्स या ज़्यादा वेबसाइट डाउनलोड नहीं करेंगे, तो जो लोग साइबर क्राइम करते हैं वो ऑब्वियसली स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप नहीं कह सकते, पर हम कहेंगे कि वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो लोग कंप्यूटर में, जो लोग ऐप यूज़ करते हैं जिससे साइबर क्राइम होता है, वो लोग को काम होगा, तो वो लोग ऐप कम यूज़ करेंगे। कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने जो चीज़ें हाफ रेट में कर दी थी, वो वापस से अपनी नॉर्मल रेट में आ जाएंगी, और शायद उनका रेट बढ़ भी जाए। अगर लॉकडाउन खुलता है और अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं मिलती है, और तब सोशल गैदरिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी तो पुलिस है, इसके वजह से सोशल गैदरिंग नहीं हो रही है, पर जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब कोरोना की महामारी और ज़्यादा फैलेगी। सो फ्रेंड्स, घर बैठे बैठे आलसी हो रहे हैं, जो कोई फिटनेस नहीं कर रहे उनके वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। तो मेरा डिसएडवांटेज है कि जो केस कंट्रोल में थे, मतलब हमारे इंडिया में जो केस कम थे, अभी वो भी बढ़ जाएंगे, तो ये एक डिसएडवांटेज है। सो फ्रेंड्स, अभी लॉकडाउन है तो पॉल्यूशन बहुत कम हो गया है, पर जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा पॉल्यूशन फिर से बढ़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ बच्चे जिनको इंडोर गेम्स नहीं पसंद, वो मोबाइल फोन पे कुछ गेम्स डाउनलोड करके हमेशा पूरे दिन खेलते ही रहते हैं, और आउटडोर गेम्स के लिए कभी टाइम ही नहीं मिलता। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमारी चैनल पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए मेरे फ्रेंड की चैनल द डार्क नाइट स्टूडियोज़। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।